वेलकम बैक गाइस। सो आज हम जाने वाले कोलकाता के फेमस स्ट्रीट मार्केट में, जहां तक आप लोगों को भी पता होगा और आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और हमारे जितने भी सारे पेयर्स आने वाले वहीं से आने वाले। सो मैं बात कर रहा हूं गली स्ट्रीट का, जो कि आज संडे है और मैं मॉर्निंग को निकल चुका हूं, क्योंकि जल्दी जाके मैं जितने भी सारे नए नए पेयर्स होंगे वो सारा देखना चाहता हूं, और हमें कम रेट में भी मिल सकता है मॉर्निंग में जाने के वक्त। सो जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं, और अभी फ़िलहाल तो मैंने होटल से टैक्सी ले लिया है और कुछ हमारे यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। सो वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं क्या क्या सारे मार्केट कैसा क्या मिलता है, और मुझे तो फिलहाल रास्ता नहीं पता है। सो गूगल हम ढूंढते हुए ही जाएंगे। सो देखते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और कितने क्या सारे पेड़ मिलते हैं। सो देखते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गली स्ट्रीट, और मैं यहां से 3 पॉइंट क्रॉसिंग से पूरा स्ट्रेट आ रहा हूं, और गूगल में जैसा कि रास्ता दिख रहा है वहीं से देखते आ रहा हूं, और थोड़े बहुत लोगों को भी पूछा तो यहां से सीधा जाके जो वहां पे आप लोगों को ब्रिज दिख रहा होगा, और अभी तो ट्रैफिक यहां पे अटका हुआ है, वहां पे जो ब्रिज है ब्रिज के ठीक आपके लेफ्ट साइड में गली स्ट्रीट होगा। तो अभी चलते हैं गली स्ट्रीट और देखते क्या सब कुछ मिलता है। और देख सकते हो सुबह के अभी सिर्फ 9 ही बज रहे होंगे, और ट्रैफिक देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे। सो आप लोगों को वो ब्रिज याद रखना होगा, वो ब्रिज के ठीक लेफ्ट साइड में आप लोगों का गली स्ट्रीट गिरता है। सो वहीं से पूरा मार्केट शुरू होता है, और आप लोग घूम के भी दूसरा रास्ता भी है गली स्ट्रीट जाने का। सो दो रास्ते हैं, सो मुझे ये वाला रास्ता मेरे को पता है। सो ये रहा, सो आपके राइट साइड में ये मार्केट गिरता है, सॉरी आप लोगों के राइट साइड में ये पूरा मार्केट गिरेगा। सो लेफ्ट साइड से आप लोग फिर से वही 3 पॉइंट क्रॉसिंग के छक पे आप लोग पहुंच जाओगे, और राइट साइड में आप लोगों का गली स्ट्रीट गिरता है, और यहाँ पे आप लोगों का बाइक पार्किंग शुरू हो जाता है, और यहीं से पूरा शुरू होता है। यहाँ पे आप लोगों थोड़े बहुत फ्लावर्स दिखते हैं घूमने के, और यहाँ पे छोटा सा टेम्पल भी है, वो भी आप याद रख सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पे पूरा फ्लावर का चीज़ शुरू होता है, मतलब मिट्टी ले लो, फर्टिलाइज़र ले लो, प्लांट्स के जितने भी सारे एक्सेसरीज होते हैं और जितने भी सारे नीड होते हैं वो सारे चीज़ें आप लोग यहाँ पर मिल जाएंगी। सो प्लांट्स में यहाँ पे ढेर सारी वैरायटी है, और अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत भीड़ नहीं है, पर धूप बहुत ही ज़्यादा है, और पॉट्स में भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, और मतलब बच्चों के खिलौने भी यहाँ पे मिल जाते हैं, और आप लोगों को जो थर्मोकोल बॉक्स चाहिए होता है फिश रखने के लिए वो भी यहाँ पे मिल जाता है। और पॉट्स देख सकते हो कितने ज़्यादा कलरफुल में, और हर एक वैरायटी का आप लोगों को पॉट मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पे 12 पीस लेंगे तो आप लोगों को होलसेल रेट गिरेगा। सो ट्राई करना कि 12 पीस लेने का, सो आप लोगों को पूरे होलसेल रेट में मिल जाएगा यहाँ पे। और मार्केट देखते चलते हैं, और यहाँ पे तो सारे फ्लावर्स के कलेक्शन है। और यहाँ के लोकल लोग मुझे बोल रहे थे जो ट्रंप यहाँ पे चलता है रोड पे, जो ट्रेन चलता है उसको ट्रंप बोलते हैं, और उसका एंडिंग लाइन इसी मार्केट में है, और इसी लाइन मार्केट में आके वो एंड हो जाता है, उसका जो लाइन है वो पूरा एंड हो जाता है, और इसके अंदर भी आता है कभी कभी ट्रंप, इसलिए ये लोग पूरे साइड में बैठे हुए रहते हैं, और कोई भी मतलब इस पार नहीं आता, जो लाइन जा रहा है पटरी जा रहा है उसके पास नहीं आता, क्योंकि अगर ट्रंप आया तो सब कुछ हटाना पड़ेगा। तो दोनों साइड में आप लोग दिख रहे हैं, पूरे फ्लावर के मार्केट ही है अभी से, और हर एक वैरायटी के फ्लावर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, अभी सुबह का टाइम है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। सो फ्लावर के हर एक वैरायटी मिल जाएंगे, और आप लोगों को बुद्ध स्टैचू टाइप और फेस के अंदर जो प्लांट्स लगते हैं हर एक वैरायटी के मिलेंगे पॉट्स, जो कि आप लोग देखे भी नहीं होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो लोटस के सीड्स मिल रहे हैं, लोटस ले लो, वो ले लो, ये ले लो, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, कुछ 400 रुपीज़ पर पीस है। सो देख संभल के लेना, और जो लोग भी वीडियो छोड़ते हैं ना कि गली स्ट्रीट सस्ता है ऐसा है वैसा है, कुछ सस्ता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में मिलता है यहाँ पे। सो बार्गेनिंग करना, ऐसा कुछ भी फिक्स रेट नहीं होता है, बार्गेनिंग करना, अगर बार्गेनिंग करते हैं तो अच्छी बात है, वो लोग प्राइस देते हैं तो अच्छी बात, नहीं देते तो हट जाना, दूसरी जगह देखना। ये लो फिश यहाँ से शुरू होता है, और ये फिशेस के जितने भी सारे एक्सेसरीज, फूड,
जो भी चाहिए सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिशेज देख सकते हो नीचे ऐसे रखे हुए हैं, और धूप भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, पानी जैसे ही गर्म होगा सारे फिशेज मर जाएंगे, गारंटीड है। अगर आप लोगों को लेके ही जाना है तो सुबह सुबह आओ, फिशेज लेके चले जाओ, जैसे ही धूप गिरेगा अंदर का पानी गर्म होएगा और उसके अंदर गैसेस बनते रहेंगे, तो फिशेज आप लोग जब लेते जाओगे दूसरी जगह में जाके लेके जाओगे तो फिशेज तब तक मर भी जाएंगे। सो सुबह सुबह आओ लेके चले जाओ, और अगर आप लोगों का होटल एसी का है तो उसमें थोड़ा रख देना, फिर आप लोग लेके जा सकते हो आराम से, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिशेज के प्राइस मैंने पूछ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है। जो भी यूट्यूबर छोड़ता है ना कि फिशेज के प्राइस इतने ज़्यादा कम है, ये वो है, वैसा कुछ भी नहीं है, फिशेज के प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो आगे चलते और देखते क्या कितने क्या है, मतलब व्यूज़ आने के लिए सारे बोलते हैं कि लो प्राइजेज है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग के जो प्लेस है, आप लोग जहाँ से आते हो उसका प्राइस और इसका प्राइस थोड़ा बहुत ही अंतर फर्क होता है, मतलब 10-20 रुपए का कम ज़्यादा होता है बस, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं रहता। और यहाँ पे भी सारे फ्लावर्स ही हैं, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स हैं, जिनको गार्डनिंग का शौक़ होगा उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा जन्नत ज़्यादा प्लेस है। और अगली बार जब भी मैं आऊँगा तो पूरा मार्केट समझ लिया आऊँगा, इस बार देखते हैं मार्केटिंग अच्छे से होता है या फिर नहीं होता है, पता नहीं। अगली बार जब आऊँगा तो पूरा मार्केट समझ गया आऊँगा। और फिशेज देख सकते हो ड्रम के अंदर आते हैं पूरे फिशेज, और नीचे भी लेके फिशेज बढ़ते हैं, उसके पास वहाँ पे पूरे गप्पी फिशेज हैं। और मैंने कुछ भी अभी फिशेज नहीं ले रहा क्योंकि मैं बस से जाने वाला हूँ, अगर एक भी फिश मर गया तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है, और फिलहाल तो हमें सिर्फ बर्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और यहाँ पे भी देख सकते हो बड़े बड़े पॉट्स हैं, और पॉट्स के बहुत ही ज़्यादा वराइटीज़ है, घर में भी आप लोग रख सकते हो, घर वाले पॉट्स जो होते हैं इंडोर वाले वो भी ये यहाँ हैं। और फिशेज देखो यहाँ पे नीचे रखे गए हैं, गोल्ड फिशेज है, गोल्ड फिश का प्राइस अगर आप मतलब डजन के हिसाब से देते हैं तो आप लोगों को कुछ 3-4 रुपए गिर जाएगा, बच्चे छोटे छोटे नहीं के बड़े पीस। और यहाँ पे साइड में ब्लड बॉम मिल रहा है, ब्लड बॉम लेके जाएंगे तो वो तब तक पूरा मतलब मेल्ट हो गया होगा और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, सो ब्लड बॉम हम नहीं लेंगे। सो होलसेल में लोगे तो प्राइस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक, 5-6 रुपए में मिल जाएंगे आप लोगों को गोल्ड फिशेस। एंजल फिश का भी वही, अगर डर्जन के हिसाब से लोगे तो 5-6 रुपए में आ जाएंगे, या फिर उनका क्या क्वांटिटी मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अंदाज़ा मेरा बोल रहा हूँ। सो आप लोग जाके मार्केट देख सकते हो। और यहाँ पे पिजन्स के कलेक्शन है, और ये पूरा फैंसी पिजन है, ये कुछ 2500 रुपए कुछ जोड़ा था कुछ बोल रहे थे, पता नहीं। और यहाँ पे वो वाइट कलर का पिजन देख सकते हो, और ये दोनों पिजन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वाइट कलर वाला और ब्राउन कलर वाला, मतलब जैसे पूरा पीछे का फर जो है पूरा मोर के जैसा था, और बहुत ही ज़्यादा किंग साइज़ में, बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के। और इसको देख सकते हो पूरा मतलब ब्रीडिंग के मूड में। और यहाँ पे भी नीचे भी ब्लैक पिजन्स है, और अलग अलग वैरायटी के पिजन्स हैं। और अभी भीड़ देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, सो यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, सो आप लोगों का सामान देख के यहाँ पे लेके जाना। और वहाँ पे देख सकते हो पैकिंग चल रहा है, जो बर्ड्स ट्रैवल होके जाएगा या फिर एक्सपोर्ट होगा वहाँ पे पूरा पैकिंग चल रहा है। सो यहाँ पे आप लोगों को केजेस में मिल जाएंगे जो ट्रांसपोर्ट करने होंगे, और जिस शॉप से आप ले रहे हो उनको बोलोगे कि पैक कर देने, वो अच्छे से पैक कर देंगे। पैकिंग यहाँ पे अच्छे से होता है, मतलब पैक करना बातचीत थोड़ा बहुत ठीक होता है, पर प्राइजेस जो यूट्यूबर्स यहाँ के छोड़ते हैं वो मैच नहीं करता, जो फिंचेस के रेट्स, वो कनूर के ले लो, बहुत सारे प्राइजेस मैच नहीं होते। सो यहाँ पे मार्केट आओ, प्राइस देखो, फिर खरीदो, वीडियो देख के मत आना, मतलब रिस्क लेके थोड़ा बहुत आना, प्राइजेस आप लोगों को हाई भी मिल सकते, कम भी मिल सकते, सो वीडियो के भरोसे मत आना। और यहाँ पे देख सकते हो साइड में आप लोग लेके खड़े होके बेच भी सकते हो, जिनके पास आईडी कार्ड है वो उनका परमानेंट शॉप है। और यहाँ पे जो खड़े लेके बेच रहे हैं, मतलब खड़े होके थोड़ा बहुत लेके बेच रहे हैं, वो अपने घर से लेके आके बेच रहे हैं ब्रीडिंग करके, और जिनके पास आईडी कार्ड है वो परमानेंट शॉप है, और जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है वो मतलब टेम्परेरी है, कभी कभी आएंगे और कभी कभी नहीं आएंगे। और यहाँ पे गिनी पिग का कलेक्शन है, और यहाँ पे छोटे छोटे गोल्डन फिंचेस है, और जी लोग हाथ में लेके खड़े होके बेचते हो उनके पास थोड़ा कम प्राइस में आप लोग बार्गेनिंग करके ले सकते हो। और यहाँ पे फिंच का कलेक्शन है, और फिंच यहाँ पे 250 चल रहा है मार्केट में, पूरा प्राइस 250 जा रहा है, जहाँ पे भी पूछ लो फिंच का प्राइस वहीं पे 250 है। और केजेस का लिख सकते हो 2 फीट बाय 2 फीट, कुछ मेरे को 250 बोल रहे थे, मैं बार्गेनिंग करके 220 में लेके आया हूँ। और यहाँ पे भी बर्ड्स हैं, और केजेस के भी आप लोगों को वैरायटी मिल जाएंगे, डॉग के केजेस ले लो, कॉर्नर के ले लो, कॉकटेल के ले लो, हर वैरायटी के केजेस मिल जाएंगे। और जिनको ब्रीडिंग करने के लिए पूरे 15 केजेस चाहिए, जैसे हम लोग जैसे हमारे घर में बना के आए हैं वैसा केजेस चाहिए, तो वहाँ यहाँ पर वैसे भी केजेस मिल जाएगा और आपके घर तक भी पहुँच जाएगा, तो आप लोगों को ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो देने होंगे। और यहाँ पर देखो पूरे बर्ड्स के सामान मिल रहे हैं, यहाँ पर ब्रीडिंग बॉक्स ये ले लो वो ले लो, मैं यहाँ पर ज़्यादा प्राइस नहीं पूछ रहा हूँ। और
कहीं कहीं जगह में वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे, सो देख संभल के। और यहाँ पे देख लो ये झूले मिल रहे, और इस साइड में पूरे बर्ड्स का ही कलेक्शन है। सो देखते अभी हमें यहाँ हमारे जो फिंचेस लेने हैं, जो मैं यहाँ पे मेनली फिंचेस लेने ही आया हूँ। सो फिंच देखते मिलते हैं क्या, और लबर्ड भी लेना है। सो देखते वो सारे कम प्राइस में मिलते हैं क्या। मेनली तो मुझे पहले फिंचेस लेने हैं, और यहाँ पे डॉग का कलेक्शन है। नीचे लैब्राडोर सोया हुआ है, और साइड का ब्रीड मुझे पता नहीं, और जर्मन शेफर्ड भी है यहाँ पे। और डॉग्स के अच्छे कलेक्शन होते हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे डॉग्स और पिजन्स के मार्केट में थे। और देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर डॉग है यहाँ पे। और सारों का मतलब वैक्सीनेशन सब कुछ, आप लोगों को सर्टिफिकेट सारा सब कुछ मिल जाएगा। और ये यहाँ पे जो फेमस डॉग सेलर भी है, जो कि यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा फेमस रहते हैं, और जो वीडियो में जो लोगों को दिखाते हैं, जो यूट्यूबर्स जो लोगों को दिखाते हैं और उनसे जो प्राइस पूछते हैं, मैं उन लोगों से भी पूछा, कुछ भी प्राइस वीडियो जैसा नहीं है, सब कुछ हाई चल रहा है। सो वीडियो देख के बिल्कुल भी बताना। और यहाँ पे मार्केट का एंडिंग आ गया, और इस साइड में भी एक गली है, उस साइड में भी गली है। सो दोनों गली में भी है, और उसके पीछे भी मार्केट है। सो पूरा मार्केट घूमना है। अभी मैं फ़ोन वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चोर घूम रहे। अभी मेरे सामने एक चोर पकड़ा गया, सो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। सो वीडियो आप लोगों को दिखा दिया पूरा मार्केट। सो देखते क्या क्या हम खरीद। सो मैंने पूरे मार्केटिंग कर लिया है, जितने भी सर मुझे खरीदने थे, जो प्राइसेस कुछ भी सेम नहीं थे, सिर्फ मैंने पिंचेस लिए, पिंचेस के लिए थोड़े बहुत एक्सेसरीज लिए, और एक केज खरीदा बस। और मुझे फिशेस के भी कलेक्शन खरीदने थे, ऑस्कर खरीदना था, कैटफिश खरीदना था, बहुत सारे श्रिम्स भी खरीदने थे, गप्पी भी खरीदना था, पर मैं कुछ भी नहीं खरीद सका, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई थे। सो वीडियो के जैसा कुछ भी नहीं चल रहा था। सो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा अकेले आऊँगा, और अभी तो फिलहाल मैं फैमिली के साथ आया हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। सो जब भी मैं आऊँगा तो अकेले आऊँगा, अकेले आऊँगा तो तब पूरा मार्केट घूमेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम हम मार्केट में बिताएंगे, एंडिंग तक रहेंगे मार्केट तक, और देखते हैं जब एंडिंग में प्राइसेस हमें हमारे पास क्या से क्या होता है। सो अगली बार मैं नेक्स्ट पक्का आऊँगा, और तब तक चैनल में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग जाने वाले विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के लिए, पूरा म्यूजियम हम घूमने वाले। सो अगला वीडियो